क्या से क्या हो गई दीपिका पीयूष के प्यार में। घने मुलायम काले लंबे बालों वाली दीपिका के बालों का ना कोई हेयर स्टाइल ना ही कोई अंदाज, ऐसा लग रहा है कि किसी ने दीपिका से बदला लेने के लिए उसके बाल ही कतर डाले हैं। क्या है भाई, ये पत्ते पंछी की तरह क्यों घूम रही हो तुम? देखिए क्या अलर्ट कर दिया आपकी बहू रानी ने। दीपिका के इस नए अवतार को जब घर वालों ने देखा तो उनके खाने का सारा मजा ही किरकिरा हो गया। खाने की टेबल से उठकर दीपिका के पास आए पापा जी और लगे दीपिका को डांटने। कैसे क्यों चलवाए तुमने अपने बाल पर? लोगों ने दिमाग खराब कर दिया लड़कियों का। इन्हें लगता है कि बाल कटवाए डाली लिपस्टिक लगवाए तो बस खूबसूरत लगती है। तुम एक काम करो, अपना सामान बांधो और जाओ यहाँ से, जाओ अपने घर। हमें आपसे कहा था ना बाल कटवाने की जिद मत कीजिए, अब देखिए अब कैसे नाराज हो गए। लेकिन दीपिका ने जब ये बताया कि ये सब कुछ तो उसने पीयूष के कहने पर किया है तो पापा जी का टारगेट बन गया बेटा पीयूष। तुमने कहा था उनको बाल कटवाने के लिए? हाँ पापा जी, पीयूष ऐसी शर्त लगाता है कोई? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? बहू ऐसे भाग जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? अरे लोगों की छोड़ो, क्या। लेकिन इस खेल का सारा माजरा तो तब समझ आया जब दीपिका के चेहरे पर ये मुस्कान देखी और उसका हाथ कुछ ऐसे अपने सिर पर लगा मानो बस अब विग उतार ही रही हो। अब दीपिका ने ये सब कुछ पीयूष को मजा चखाने के लिए किया है। नखरेले और चिड़चिड़े पीयूष को अच्छा सबक सिखा रही है दीपिका। जब से शादी हुई है पीयूष की बैंड पर बैंड बज रही है। इसके पहले भी बर्गर खाने की कंपटीशन में पीयूष की हालत खराब हो गई थी और बर्गर खाकर 2-2.5 लाख रुपए जीतने का आइडिया भी दीपिका ने ही दिया था। एक्चुअली वो प्रोडक्शन ने 90 बर्गर्स का ऑर्डर दिया है, आउट ऑफ विच आई थिंक आई हैव टू हैव 30। 30 बर्गर खाना मुश्किल होगा शायद थोड़ा सा, सो आई एम होपिंग दीपिका मुझे कंपनी दे। देखो हम हमारे फाइटर को घर से ट्रेन करके भेज रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि हमारे फाइटर अच्छे से ट्रेन होके सारे बर्गर्स खा लेंगे। कभी प्यार से तो कभी फटकार से दीपिका एक अच्छी बहू और पत्नी की तरह पीयूष को रास्ते पर ले ही आएगी। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।